राजद ने वनभोज कार्यक्रम के बहाने दिखाई अपनी ताकत। इंदरवा मैदान में उमड़ा जनसैलाब। ढीबरा पत्थर उद्योग का सम्मान लौटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सुभाष यादव। राष्ट्रीय जनता दल कोदरमा ने 7 जनवरी को कोदरमा प्रखंड अंतर्गत इंदरवा मैदान में वनभोज सम्मान समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। राजद कार्यक्रम में समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़ ने राजद में जान फूंक दी है। वहीं भीड़ देख विपक्षी पार्टियों की नींद उड़नी तय है। कोदरमा में सालों बाद राजद ने अपनी ताकत का एहसास कराया है, या कहे कि राजद ने अपनी गढ़ में फिर से अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब नजर आई है। राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश एक तरफ उफान पर था, वहीं दिनभर नारों से इंदरवा मैदान गूंजता रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन जिलाध्यक्ष सह जिप चेयरमैन रामधन यादव ने किया। राजद नेता सुभाष प्रसाद यादव ने कहा कि मैं कुछ लेने नहीं, राजद के झंडे को बुलंद कर जनता मालिकों को सम्मान देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि कोदरमा में खनिज संपदा भरा पड़ा है, लेकिन जनता मायूस और बेरोजगार है। ढीबरा पत्थर और क्रशर को लीगल बनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा, तो वे खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि कोदरमा की जमीन उपजाऊ है, जनता की समस्या के लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो वे जरूर करेंगे। कार्यक्रम में राजद के झारखंड प्रभारी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण, झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव समेत प्रदेश स्तर के नेता मंच पर विराजमान रहे। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल एक नया इतिहास रचने जा रही है। जिस तरह से आज एक विधानसभा था, जनता मालिकों को बुलाया गया था, जो झांके है राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ करना बाकी है। साजिश के शिकार उसको हार मत कहिए, फिसलन कहिए। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब लोगों की बात करती है और समाज में ऐसे बैठे हुए अंतिम पैदान पर लोगों को घर पे दरवाजा पे चरण में दस्तक देने का काम करती है। इसके तहत आज हम लोग अपना जनता मालिकों के बीच में पिकनिक मना, एक साथ बैठ कर पिकनिक मनाए। इसमें ना कोई चोट है, ना कोई डर है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है। समरस समाज की हम लोग बात करते हैं। बीजेपी का किला तो उठाने की, बीजेपी का तो पत्ता साफ है, पूरे देश से सब पत्ता साफ है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने आइडियल विलेज, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, धर्म के नाम पर कितने दिन लोगों को ठगने का काम करेंगे। कोरोना आया था, राष्ट्रीय जनता दल पूरे झारखंड में मुट्ठी भर अनाज लेकर के अपना जनता मालिकों के बीच में जाता था। आई लोग ताली और थाली बजा रहे थे, कोरोना मैया पूजवा रहे थे, हम लोग जनता की सेवा कर रहे थे। अब जुमलाबाजी चलने वाला नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी का दिल लदने वाला है। कुछ लोग आपके पार्टी से निष्कासित हो रहे हैं, क्या वजह रही है, आप पर आरोप लगा रहे हैं? बहुत बड़ा पार्टी है, नो कमेंट। साल का नई सोच, नई उम्मीद, नया माहौल के साथ कार्यकर्ताओं का एक समागम हुआ है। 2024 जो नया साल है, इसके साथ 2024 में जो चुनाव भी है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, और राष्ट्रीय जनता दल लगातार चतरा से लेकर के भवनाथपुर चतरा लेकर साहबगंज तक हम लोग लोकसभा भी जीते हैं, विधानसभा भी जीते हैं। आने वाले समय में फिर हम लोग लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग चुनाव जीते हैं। झारखंड राज्य के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए लगातार आग्रह कर रहे हैं कि हमें देश लाया जाए, तो सरकार की ओर से क्या पहल की गई है? अभी तक मजदूर वहाँ फंसे हुए मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मेरे संज्ञान में आएगा तो उसको हम लाएंगे। विदेश से लाना हो, जहाँ भी लाना हो, उसको लाएंगे भी, और सरकार का जो कंपलसेशन है उसको राशि दिया जाए। बीजेपी में अंतर कलह सामने आ रहा है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी का? आरजेडी में कोई अंतर कलह नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल एक है, एक रहेगा और पूरे ताकत के साथ एक है। बाहरी भीतरी का जो नारा आ रहा है, भारत देश एक है, राज एक है, बाहरी और भीतरी क्या है,
हमारा बिहार और झारखंड का एक दूसरे से ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, शादी विवाह होता है, हमारे यहाँ का बेटी वहाँ वहाँ का बेटियाँ, तो फिर बाहरी भीतरी क्या है, देश एक है, नागरिकता एक है, हम भारत के रहने वाले हैं, हम किसी गणराज को आ सकते हैं, बाहरी भीतरी क्या है, हम कोई अमेरिका के हैं क्या, हम कोई जापान के हैं क्या, हम कोई पाकिस्तान के हैं क्या, विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपने बल पर लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ लड़ेगी? आरजेडी खुद लड़ेगी या गठबंधन के साथ लड़ेगी? लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन की तहत होगा, विधानसभा चुनाव जब विधानसभा चुनाव होगा तो विधानसभा की बात करेंगे।